अब कई बच्चे ये कहते हैं, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चे ये कमेंट करते हैं यार सर मेरी उम्र तो अभी 18 साल है, अभी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और कई बच्चे ऐसे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मैं तो लगभग ओवरेज होने वाला हूँ, मेरी 38 39 35 के से ज़्यादा मेरी उम्र हो चुकी है, 40 के आसपास उम्र है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि उम्र का इस परीक्षा से या किसी भी परीक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि मैं खुद कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा जब मैंने पास की थी तो मेरी टॉप 50 के अंदर रैंक आई थी, तब मैं 18 19 साल का था और मेरे ही रूम में, यहाँ उदयपुर रॉयल इंस्टीट्यूट से मैंने तैयारी की थी, मेरे रूम के अंदर मेरे एक भाई साहब भी रहते थे, शांतिलाल जी कुमावत नाम है, उनकी रैंक थी 643 उनकी रैंक आई थी, जनरल में सिलेक्शन हुआ था, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो प्यारे बच्चों उनकी उम्र थी 39 साल, शांतिलाल जी भाई साहब की उम्र थी 39 साल, तो मेरी थी 18 19 साल और उनकी थी 39 साल, हम दोनों ही सेलेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि उम्र का आपके सिलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं अभी जिन्होंने 12वीं पास की है वो बिल्कुल घबरा रहे हैं कि सर हम तो नए बच्चे हैं, हमें तो जीके भी नहीं आता, हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, एग्रीकल्चर तो भले ही हमें ठीक ठाक है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं आती। तो विश्वास मानिए आप लोग कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आप नहीं तो और कौन करेगा मुझे बताओ। और जो 39 साल या 40 साल के आसपास ज़्यादा उम्र होगी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसका आप लोग उपयोग करिए। एक ही चीज़ मायने रखेगी, आप कितनी लगन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल लगन और जुनून के साथ में तैयारी की तो गारंटी कह सकता हूं कि मेरिट लिस्ट में आपके रोल नंबर होंगे और आप मुझे फोन करेंगे कि मैंने एक दिन ऐसा कहा था। तो उम्र कोई बाधा नहीं है और उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है।